आंटी आप क्यों टेंशन ले रही? अमिला का अगर प्रज्ञा भी कुछ चाहे, भाई भी कुछ चाहे, बल्कि खुद कामदेव क्यों ना आ जाए, एक दिन में कुछ नहीं हुआ, बस एक रात की बात है, फिर भाई की शादी तनु से हो जाएगी। अब एक रात में क्या हो सकता है आलिया? एक रात में कुछ भी हो सकता है। एक रात में दुनिया बदल जाती है, दो अनजान लोगों के बीच में प्यार हो जाता है, और फिर इन दोनों के बीच में तो पहले भी प्यार था। एक्चुअली मामा, मैं भी आलिया को यही कह रही थी कि ये सोच के कि वो लोग कुछ नहीं करेंगे, हम उन्हें कुछ करने का मौका तो नहीं दे रहे। तुम सिर्फ सोच रही हो, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, दिल में पुराने प्यार की चिंगारी अगर बाकी होती है ना, तो कभी भी आग बन सकती है। और तुम दोनों ने उन दोनों को अकेला छोड़कर उस आग में हवा देने का काम किया है। एनीवेज, तुम दोनों को अगर कुछ नहीं करना है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अपनी बेटी की लाइफ स्पॉइल नहीं होने दूंगी। क्या करने वाली हैं? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। और पूरब, मैंने तो दीदी से पहले ही कह दिया था कि तनु और आलिया की चाल उन्हीं पे उल्टी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो दादी? I don't believe this। नहीं नहीं बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, अभी वो दोनों एक साथ एक ही कमरे में है और मैं आदत से मजबूर आते आते उनके कमरे में झांक कर आई हूँ। तुम्हें पता है वहाँ अभी प्रज्ञा की दिलो जान से देखभाल कर रहा है। और दादी, अगर ऐसा ही है तो आज तो अभी को अपने दिल की बात दी से कह देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आज नहीं समझेगा फिर वो कभी नहीं समझ पाएगा। कि वो प्यार तो दी से करता है, लेकिन शादी तनु से कर रहा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। उसे एहसास हो गया है, हमने खुद देखा है ना डाइनिंग टेबल पे। हाँ, आज डाइनिंग टेबल पे ना अभी बिल्कुल भी प्रज्ञा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। प्रज्ञा ने क्या किया? नौकर बन के अपना प्यार जिता दिया। और मेरे अभी ने हीरो बन के अपना प्यार जिताया है। जानते तो हैं एक दूसरे को प्यार करते हैं। हाँ। फिर आज की रात अगर वो एक दूसरे को बोल दे तो कल का दिन मेरे बच्चों का दिन होगा। यस दादी, आप चिंता मत कीजिए, कल अभी की शादी तनु से नहीं प्रज्ञा दी से होगी। यस। और आपको पता है इस दिन का कितना इंतजार किया मैंने? कभी कभी तो लगता था कि ये दिन मेरी जिंदगी में आएगा ही। अरे मैं आ गया हूँ तो इस दिन को भी तो आना ही था ना। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपको पता कब चला कि आप मुझसे प्यार करते हैं? अगर उस बारे में बात नहीं करे तो अच्छे। क्यों? क्योंकि मैं वो आशिक हूँ जो आग का दरिया पार करके नहीं, मुसीबत का पहाड़ चढ़कर है। क्या मतलब? मतलब ये कि थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत लंबी कहानी। कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो करो शुरू। चलो फिर शुरू से शुरू करते। मैं वो दिन याद है जब मुझसे नाराज होकर तुम पालघर अपने मामा के यहाँ पर गई थी? तब? अरे नहीं, तब तो मुझे ये पता चला था कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। तुम्हें वो दिन याद है जब हम
पालघर से वापस आ रहे थे और रास्ते में तुम्हें कुछ गुंडों ने पकड़ लिया और फिर मैं आकर तुम्हें बचाया। हाँ तब? नहीं पापा, तब तो मुझे ये पता चला था कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। वो दिन याद है जब तनु पूरब तुम और मैं डबल डेट पर गए थे, जहां पर हम वो कपल गेम्स भी खेल रहे थे। हाँ तब? नहीं, तब तो मुझे ये पता चला कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। रहने, आप मजाक उड़ा रहे हो। अरे मजाक तो तुम्हारे चक्कर में मेरी लाइफ की बन गई थी और तुम अब जाकर सीरियस हुआ और तुम दूर जा रही हो। पास बना। और तुम्हें वो दिन याद है जब हमने वो दोस्ती के फेरे लिए थे और वो एक दूसरे से कुछ कस्में भी खाई थी। अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूंगा और आज से तुम्हारी इज्जत, मेरी इज्जत। तब नहीं, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम कोल्ड स्टोरेज में बेहोश हो गई थी और तुम्हारी सांसें रुक गई थी और मैं फिर मुझे शक हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रहने दीजिए, कोई काम की चीज याद नहीं आपको? अरे सब कुछ तो याद है, सब कुछ गिना दिया मैंने कि कब मैंने तुम्हें मिस किया, कब मैं जेलस हुआ, कब शक हुआ। क्या फायदा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो याद ही नहीं आपको। अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें सब कुछ याद है। तुम बताओ ना, कम से कम इतना तो बता दो कि तुम्हें ये प्यार का एहसास कब हुआ था, तुम्हें कब लगा था कि तुम अब मेरे बिना नहीं जी सकते। मुझे सब कुछ याद है, कब मुझे आपसे प्यार हुआ था, कब आपकी आदत पड़ गई, कब ऐसा लगा कि आपके बिना जी ही नहीं सकती, यहां तक कि आपके साथ बिताया हुआ हर पल हर सेकंड याद है मुझे। ये सब तो तुम्हें याद होगा ही ना कि तुम तो मेरी फैन नंबर वन थी। नहीं पसंद ना पसंद, मेरे गाने, मेरी आदतें, सब कुछ तुम्हें याद होगा, है ना? हाँ, इसीलिए याद है। इसीलिए याद है, इतना सब कुछ याद है, ये याद नहीं कि तुम्हें प्यार कब हुआ। अच्छा, कम से कम इतना तो पता ही होगा ना कि ये प्यार पहली नजर में हुआ था या? जी नहीं, वो पहली नजर का प्यार नहीं था, धीरे धीरे नजरों में चढ़ने वाला प्यार था। पहले तो आप मुझे अच्छे नहीं लगते थे, पर जब मैं आपको समझने लगी तो बहुत अच्छे लगने लगे। फिर ऐसा हुआ कि आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था, और फिर ना चाहते हुए भी होते होते प्यार हो गया। ना शर्माओगी तो डबल प्यार हो जाएगा। इस बार नहीं, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं उसे अपनी बेटी की शादी रोकने नहीं दूंगी। इससे पहले कि वो दोनों के बीच में आए, मैं उसे अभी से अलग कर दूंगी। सच बताओ तो मेरा प्यार भी कुछ ऐसे ही था, मतलब अवॉइड फर्स्ट साइड नहीं था पर चढ़ने वाला प्यार जरूर था। मतलब धीरे धीरे पहले प्यार का एहसास हुआ, फिर प्यार हो गया। सच बताओ तो प्यार का इजहार करने में ज्यादा देरी नहीं हुई, वरना कहीं तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाती तो? सच बताओ तो मेरी बनाई वो धुनों जो जुबान से कभी नहीं उतरेगी। पता है, पहले मुझे लगता था कि
म्यूजिक ही मेरा पहला प्यार है और मेरा सब कुछ, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि म्यूजिक मेरी लाइफ में आए इसलिए ताकि ताकि तुम मेरी लाइफ में हो। अगर मुझे से आप बाहर से लोग नहीं देख रहे होते ना तो यहीं पर देख रहे हैं ना लोग। जब तक शादी नहीं हो जाती ये डर तो बना ही रहेगा, इसीलिए जब तक तनु अभी एक नहीं हो जाते मुझे प्रज्ञा और अभी को अलग रखना होगा। उन्हें एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना मतलब शादी के लिए ये खतरा बन जाएगा। चलो अब चले। अरे ये बात जाकर दादी को भी तो बतानी है और पूरे दुनिया में भी तो ऐलान करना है कि मुझे मेरी फुग्गी मिल गई। चलो नहीं उतारी उतारी, मैं नहीं जा रही आपके साथ। मैं नहीं जा रही। क्यों क्या हुआ? क्योंकि पहले आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझे। कैसा प्रॉमिस? यही कि आप हमेशा मुझे फुग्गी कहकर बुलाएंगे। फुग्गी क्यों? कि मुझे पता है आप मुझे चढ़ाने के लिए फुग्गी बोलते हैं, लेकिन आपके मुंह से मुझे यही नाम पसंद है, अपना सा लगता है। ठीक है तो आज से सुबह शाम मैं तुम्हें फुग्गी कह के चिढ़ाऊंगा, फुग्गी कह के बुलाऊंगा। और तुम भी जवाब में हमेशा वो हाजी कहना कहना, जब तुम हाजी बोलती हो ना तो मुझे भी वो अपना अपन लगता है। हाँ जी। है? इस बात पे तो फिर हो जाए। जन्म 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 साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही तुम्हें क्या लगता है आलिया, मेरी मम्मा जो सोच रही है वो सही सोच रही है? अनु बुरा मत मानना पर मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम और उस प्रज्ञा की मॉम एक जैसी है। I mean like slightly melodramatic। इसलिए आलिया मुझे भी यही लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो गया। I mean छोटी सी बात को लेकर इतना ओवर रिएक्ट करना, पर माँ है ना, बेटी को लेकर तो थोड़ा कंसर्न आ ही जाता है, पहले भी एक बार शादी टूट चुकी है तो इस पर ज्यादा टेंशन में। हो सकता है तुम चाहती हो तो हम कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं मैं सोच रही थी कि हम एक्चुअली यू आर राइट, मम्मी को ज्यादा ही हाइपर हो गई, इतनी देर हो गई अब तक कोई खबर नहीं आई, मैं एक बार जाके देखूं कि अभी और प्रज्ञा क्या क्या हो रहा है। 10 मिनट सब्र नहीं होता। ओ दीदी 10 मिनट की बात कर रहे हो आप, 1 घंटे से वो लोग अंदर है और आप क्या मुझे सब्र के लिए कह रहे हैं?
उन दोनों को मिलाने के लिए मैंने जितना सबर किया ना किसी और ने नहीं किया होगा। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है सबर की। ओ भाई कुर्बानी तो दे रही हूँ मैं, एक घंटे से वो अंदर है और मैं यहाँ खामोश खड़ी हूँ। वो तो आपने मुझे रोक रखा है, वरना मैं अब तक 10 चक्कर लगा चुकी होती देखने के लिए कि अंदर हो क्या रहा है। बेवकूफ, तू समझती क्यों नहीं है, जितनी देर हम उनको अकेला छोड़ेंगे ना उतना ही उनको लंबा मौका मिलेगा आपस में बात करने का। जब वो बात करेंगे तभी तो बात बढ़ेगी। अगर तू बार बार जाके चेक करती रहेगी, देखती रहेगी, झांकती रहेगी, उनको शक हो गया तो बात वो खाक करेंगे। अरे क्या हुआ दादी, क्यों डांट रहे हो दासी को? आ गया तेरा हिमायती। हाँ है मेरा हिमायती। पूरब तुझे बताए, एक घंटे से ना अभी प्रज्ञा एक कमरे में बंद है और मैं समझना चाह रही हूँ, देखना चाह रही हूँ कि आखिर बात चल क्या रहा है। अरे आप दोनों ने अभी तक चेक नहीं किया? नहीं, और चेक कोई करेगा भी नहीं, समझ गए ना? चुपचाप वहां जाके बैठ जाओ। अरे दादी लेकिन, समझ गए ना? चलो दीदी, अब अगर चुपचाप बैठना ही है तो उनके कमरे के बाहर चल के बैठे। तू मुंह बंद नहीं रख सकती? अगर अब की बार तूने मुंह बंद नहीं रखा ना तो मैं घर के बाहर बिठा दूंगी। वे वेट करो, सबर करो, वो खुद अपने आप ही बाहर आके हमें बता देंगे कि उनकी आपस में बात क्या हुई है, इसलिए सबर। चलो बैठो, वेट करो, वेट। ये दोनों यहाँ प्रेम मिलन कर रहे हैं और तनु आलिया वहाँ जश्न मना रहे हैं। पता नहीं ये तनु कब समझेगी। मुझे ही कुछ करना होगा, पर क्या करूं, कैसे इन्हें आगे बढ़ने से रोकूं और फिर शादी तक रोक के ही रखूं। तो अब चले जाकर दादी को ये शौक देते हैं कि उनके पोते को तनु से नहीं बल्कि उनकी से प्यार हो गए। ओह माय गॉड, यहाँ तो सीन ही कुछ और चल रहा है। और ये अभी अगर दादी के पास चला गया तो वो ये शादी रोक देंगी, फिर प्रज्ञा इस घर की बहू बनेगी और मेरी बेटी अपने घर वापस। नहीं, कुछ तो करना होगा मुझे और अभी ही करना होगा। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट प्रज्ञा। फुगी, क्या एक्चुअली जब दादी ये बात सुनेंगी ना तो शॉक नहीं सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से वो वैसे भी तनु को पसंद नहीं करती। आपको क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि मुझे पता है जिस तरीके से वो तनु से बात करती है उनकी बातों से ही पता चलता है कि वो तनु को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो किसे पसंद करती? तुम्हें, क्योंकि वो जिस तरह तुमसे बात करती है ना वैसे तो मुझसे भी नहीं करती। I'm sure कि दादी शॉक वॉक नहीं बल्कि प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हो जाएंगी। तो चले जाकर दादी को प्लेजेंटली सरप्राइज करते हैं। जी आप यहाँ कुछ काम था? तनु यहाँ पर आई नहीं? नहीं वो एक्चुअली मैं तनु को नहीं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। बोलिए ना। कुछ जरूरी बात है तो क्या हम अकेले में? अकेले में? हाँ?
लेना। शर्म नहीं आती आपको? आंटी के सामने कोई आंख मारता है? आंटी देख लेती तो? आपको पता है आज जो आपने मुझे खुशी दी है ना, एक नए जन्म देने जैसा है। मैं आपसे दोबारा मिली और आपको दोबारा मुझसे प्यार हो गया। कल तक तो मैं इस डर में जी रही थी कि पता नहीं आपकी और तनु की शादी कैसे रोकूंगी, और आज जो आपने मुझे खुशी दी है ना, उसे लेकर तो मैं पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको तो कुछ पता भी नहीं। मेरा हर दिन ऐसे गुजरता था जैसे कोई आपको मुझसे दूर ले जा रहा। समझ भी नहीं आ रहा था शादी कैसे रोकूं, आपको सब कुछ याद कैसे दिलाऊं, कैसे बताऊं कि मैं बीवी हूं आपकी, लेकिन आप अब कोई बात नहीं। भगवान ने मानो एक ही झटके में मेरी सारी मन्नतें पूरी कर दी। ऐसा लग रहा है वाकई फुग्गी बनकर उड़ रही हूं, जमीन पे तो पाव ही नहीं टिक रहे मेरे। आपको पता है वैसे तो मुझे प्यार पे भरोसा है, लेकिन कभी कभी वो भरोसा डगमगा जाता है। लेकिन आज वो भरोसा एकदम पक्का कर दिया, वो भी आपने, क्योंकि आज आपने जो कुछ भी कहा ना, वो दिल से कहा, किसी और की नहीं अपने दिल की सुनी, कि आपको वाकई मुझसे प्यार हो गया।